मंत्री की बढ़ सकती है मुश्किलें। पहले भी रामकृष्ण के वजूद पर सवाल उठा चुके हैं गोता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। जी आपको बता दें कि शपथ के चक्कर में फंस गए हैं आप मंत्री राजेंद्र गोता। राम और कृष्ण भगवान नहीं है और कभी इनकी पूजा नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गोतन की मौजूदगी में हजारों लोगों को दिलाए गए शपथ पर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गौतम के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले भी केजरीवाल सरकार की किरकिरी कर चुके हैं। गौतम के ट्विटर हैंडल से सन 2019 में भगवान राम और कृष्ण के वजूद पर सवाल उठाए हुए थे और एक विवादित ट्वीट किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया था कि उनका ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर लिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आदेश गुप्ता ने कहा कि भारत में सामाजिक और धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की साजिश है। किसी भी धर्म में हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है, ना तो कोई धर्म और ना ही संविधान इसकी इजाजत देता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के इशारे पर मंत्री ने जो बात कही ना तो वह कानूनी रूप से ठीक है और ना ही सामाजिक या संवैधानिक रूप से ठीक है। आदेश गुप्ता ने इस मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। पहले भी करा चुके हैं आपकी किरकिरी। जी आपको बता दें कि नवंबर सन 2019 में भी राजेंद्र पाल ऐसी एक विवाद में घिर गए थे। तब उन्होंने भगवान श्री राम और कृष्ण के वजूद पर सवाल उठाए थे। मैं फिलहाल आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि मंत्री की मौजूदगी में लोगों को शपथ दिलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण समेत किसी भी हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानेंगे और ना ही कभी उनकी पूजा करेंगे। बीजेपी ने इसे दंगा कराने की साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहा है कि 24 घंटे के भीतर गौतम को पद से हटाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए सिटी वेब के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।